పెద్దపల్లి జెండా చౌరస్తాలో గురువారం దారుల్ ఖైర్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి మౌలానా జుబేర్ అలాం, మౌలానా ఇమ్రాన్ సూఫీ, హఫీజ్ రిజ్వాన్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో దారుల్ ఖైర్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. दारुल खैर पेद्दापल्ली की जानिब से ये कई महीनों से ये काम जारी है. अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये जो दिन प्यारे नबी की विलादत का जो दिन है, इसी मुनासिबत से आज के लिए कुछ पैगाम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से ये बात मालूम होती है कि भूखे को खाना खिलाना बहुत बड़ा सवाब है. तो उसी ज़िमन में ये काम जारी रखे हुए हैं. तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम भी इसी तरह के खैर के कामों में हम आगे बढ़ें, गरीबों की मदद करें, बेवाओं, यतीमों, मिस्किनों की मदद करें. प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफहूम यह है कि तुम मुझे तलाश करना चाहते हो तो कमज़ोरों, ज़ईफ़ों में तलाश करो, और मेरे साथ अगर जन्नत में रहना चाहते हो तो इन लोगों की मदद करो. तो लिहाजा तुम मेरे साथ जन्नत में इस तरह से रहोगे. आपने शहादत की उंगली और बीच की उंगली को पकड़ कर आपने कहा है. तो लिहाजा हमारा फरीज़ा बनता है आज की मुनासिबत से हम भी ये इरादा करें, जिस तरह से दारुल खैर इस तरह के कामों में आगे बढ़ रही है, तो हर फर्द जो अपने आप को मुसलमान कहता है वो इस तरह के कामों में आगे बढ़ते रहें और उम्मत की फलाह के लिए काम करता रहें. इसी के साथ अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला दारुल खैर की इन काविशों को कबूल फरमाए, आपके इस तर्ज अमल को यहाँ के यहाँ जो हमारा शहर पैदापल्ली है इसके माहौल को पुरअमन फ़िज़ा बनाने में कारगर साबित हो. अल्लाह ताला इनके कामों को कबूल फरमाए. तहकीक के रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूने हयात. दोस्तों आज हम खाने के प्रोग्राम में हैं जो दारुल खैर के तरफ से सदक़े जारिया किया जाता है. इसमें आम लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है और उनकी परेशानियां समझने का मौका मिलता है कि हम में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें तो वक्त की रोटी सही से नसीब नहीं है, और अगर है भी तो वो काविशों का ना जाने पहाड़ अपने अंदर समोए हुए तब वो रिस्क हासिल करता है. हमारे लिए आसान नहीं है, लेकिन ये है दोस्तों कि हमारी कुछ काविशों से दारुल खैर के तरफ से उन लोगों की जो मदद की जाती है या उनका जो सहयोग किया जाता है वो एक रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमूने हयात जो ज़िंदगी थी उस पर अमल किया जाता है. और वाकई ये काबिल शताइश है कि दारुल खैर के तमाम लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं उन लोगों ने जो भी मेहनत की है ये यकीनन उम्मत मुस्लिमा के लिए एक मनफरद बख्श मकाम है, और इसे हमेशा करना चाहिए ताकि हमारी कौम में एक जागरूकता पैदा हो, हमारी कौम के अंदर एक उमंग पैदा हो, और ऐसी उमंग पैदा हो जिससे हमारी उम्मत मुस्लिमा को एक नसीहत मिले. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाह आज की एतवा जुमेरात है जो दारुल खैर खाना खिला रही है. इसी हदीस के मुनासिबत से कि एक मरतबा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा था अय्युल इस्लाम अफ़ज़ल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क़ाला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुत्इमु अत्तआम. एक मरतबा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा था कि कौन सा इस्लाम अफ़ज़ल है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि एक दूसरे को खाना खिलाया करो. और अल्हम्दुलिल्लाह फिर दूसरी हदीस में आता है कि अहब्बुल आमाली इलल्लाह तआला अदवमुहा व इन अल्लाह, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल वो है जो मुस्तकिल किया जाए. अल्हम्दुलिल्लाह ये 58वां जुमेरात है जो दारुल खैर करते हुए आ रही है, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरकत दे, और उन हज़रात का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो दारुल खैर की आवाज़ पर लब्बैक कहें.